Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss that is what is the methods of accounting and guarantee of minimum profit and important topic is profit and loss appropriation accounts, P&L appropriation account क्या होता है. जो ये तीन जो concept है वो आज हम discuss करने वाले हैं. ठीक है, चलो. So सबसे पहले हम start करते हैं हमारा methods of accounting, यानी कि जो partnership में जो partners के account बनते हैं, जो capital accounts वगैरह, उसके कितने methods है. So दो type के methods है आपके. फर्स्ट है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो जब भी आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको दो लेजर बनाने पड़ते हैं पार्टनर्स से रिलेटेड. एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ता है. क्लियर है. देखो ये मेथड क्या बोलता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कि खुद ही बोल रहा है ये हेडिंग इसका कि कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर की जो रहेगी वो सेम रहेगी, उसमें कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. तो सर उसका जो भी एडजस्टमेंट होगा, लाइक उसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है ना, ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट करना और भी कुछ है, सैलरी वगैरह उसको देना वगैरह, ठीक है ना, तो ये सारे एडजस्टमेंट फिर कौन से अकाउंट में करेंगे. क्योंकि ये मेथड क्या बोलता है कि कैपिटल को तो फिक्स रखना है, कैपिटल को चेंज नहीं करना आपको, जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए आपका प्रोबेबली, ठीक है ना. तो ऐसे सिचुएशन में फिर नेसेसरी जो पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, लाइक ड्रॉइंग का हो गया, पार्टनर्स की सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट करनी पड़ती है, ये सारे एडजस्टमेंट हम कहां पे करेंगे, तो एक सेपरेट अकाउंट बना के करेंगे और उस सेपरेट अकाउंट का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट. यानी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड किए जाएंगे, बस एक ही एंट्री आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. पार्टनर्स अगर क्या करता है, कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, विथड्रॉ करता है तो नहीं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उस सिचुएशन में वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. अदरवाइज सारे एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स से रिलेटेड है वो सारे के सारे कहां पर जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में. क्लियर, फाइन. अब सेकंड मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ये मेथड ये बोलता है कि आप पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है उसको आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो आप. तो जब हम पार्टनर्स के कैपिटल को अगर चेंज कर सकते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें दूसरे अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, तो हम एक ही अकाउंट से क्या हो जाएंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे. क्लियर है. तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे दो अकाउंट बनते थे क्योंकि कैपिटल अकाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बनाते थे. सो आई होप आप लोगों को अब ये वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन में आपको या तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो क्वेश्चन में, या फिर आपको बोले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वो फॉलो करता है, ठीक है ना फर्म, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करने हैं. क्लियर है. सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देनी है, और यहाँ पे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है, ठीक है ना, तो सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही जाने वाले हैं. चलो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन का मीनिंग आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना. और मैं आपको अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो ठिकाने लगाना, यानी कि जो आपने प्रॉफिट, देखो क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंडिचर उसमें से जब माइनस कर देते हैं जीपी में से, तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट. क्लियर है. सो क्या होता है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म में जैसे ही सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है. क्लियर है. सो नेट प्रॉफिट जैसे ही हो जाता है तो उस नेट प्रॉफिट को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि सपोज हमारे पार्टनरशिप फर्म में चार पार्टनर है, तो वो चारों पार्टनर का उसके ऊपर राइट है प्रॉफिट के ऊपर. क्लियर है. तो वो प्रॉफिट क्या होगा, चारों पार्टनर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर है. तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट से जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट लेजर बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सीधा क्या सर प्रॉफिट बांट देंगे, जैसे ही नेट प्रॉफिट हमें हुआ अपने पीएनएल अकाउंट से, क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, आंसर इज नो. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपको प्रॉफिट मिलता है, उस नेट प्रॉफिट में पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सर कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एडजस्टमेंट वो करने हैं जो आपने पार्टनरशिप डीड में, जो पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन कर रखे हैं. सर कौन से ऐसे एडजस्टमेंट, जैसे कि
पार्टनरशिप, किसी पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, किसी पार्टनर को सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड करना है, क्लियर है। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, उसका एडजस्टमेंट पहले इसमें किया जाएगा, बराबर है। मतलब उसके बाद में क्या होगा, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट रहता है। तो मैं आपको इसमें एकदम अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले जो पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा उसको आपको यहां पे ट्रांसफर करना है, क्लियर है। पीएनएल अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर कर देना है। अगर नेट लॉस हुआ तो सर, नेट लॉस हुआ तो इस साइड ट्रांसफर कर देना, क्लियर है। सो अगर प्रॉफिट होता है तो आपको इस साइड लिखना है, ठीक है ना। हम पॉजिटिव रखेंगे अपना थॉट्स, तो नेट प्रॉफिट हुआ पीएनएल अकाउंट से जो आया तो वो यहां पे आपको लिख लेना है, क्लियर है, फाइन। उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखो, ये सारे एडजस्टमेंट जो पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं, बराबर है। तो देखो, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा जब भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखना है, हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो ये बिजनेस है, वो चार पार्टनर है, उन्होंने पैसा दिया था, उसी को कैपिटल बोला मैंने। मैंने क्या बोला, कैपिटल बोला, ए बी सी डी, इन्होंने क्या दिया मुझे, पैसा दिया, कैपिटल दिया, तो उस कैपिटल को मैंने क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर है। उस कैपिटल के ऊपर मैं उनको क्या करूंगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा, ए बी सी तीनों को क्या करूंगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा, अगर डीड में लिखा हुआ है तो, क्लियर है। तो वो डीड जो इंटरेस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं ऑन कैपिटल, वो क्या है मेरे लिए, क्या होगा, वो एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस हुआ ना, मैं पे कर रहा हूं, मैं उसको पे कर रहा हूं सबको, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस है तो सारे एक्सपेंडिचर इस साइड लिखने हैं, और आपको इनकम है तो इस साइड लिखनी है। मैं फिर भी बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है, आउटसाइडर से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर्स और इनकम जाते हैं, जबकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पार्टनर से रिलेटेड खुद ओनर से रिलेटेड कितने इनकम और एक्सपेंस है वो आते हैं, क्लियर है, फाइन। सो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने दिया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ए का कितना है, बी का कितना है, सी है तो सी और डी हो तो डी, जितने पार्टनर है उनका नाम आ जाएगा, सबका टोटल करके आप क्या करोगे, बाहर लिख दोगे, क्लियर है, फाइन। तो क्या होता क्या है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जो नेट प्रॉफिट जो हमने अर्न किया पीएनएल अकाउंट से, वो नेट प्रॉफिट में सिर्फ आउटसाइडर के एक्सपेंसेस हमने क्या किए हैं, माइनस किए हैं, बराबर है। लेकिन खुद के खर्चे भी तो होते हैं, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेना भी, सैलरी देना किसी पार्टनर को, वो इंटरनल खर्चे हैं। तो इंटरनल खर्चों और इंटरनल इनकम के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट एडजस्टमेंट करते हैं, वो यहां पे करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्लियर है, फाइन। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर देना है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस इस तरह आएंगे, एक्सपेंसेस एज वेल एज लॉसेज, और अगर प्रॉफिट इनकम है तो इस साइड आएगा। चलो, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर है। फिर उसके बाद में लिखना है टू सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर। हो सकता है ना कि डीड में लिखा हो कि पार्टनर ए को इतना सैलरी देना है, पार्टनर बी को इतना सैलरी देना, या फिर दोनों को सैलरी देना, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। भाई मैं सैलरी दे रहा हूँ ए बी सी तीनों पार्टनर को, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इस साइड लिखेंगे टू सैलरी बोनस कमीशन, जो भी आप दे रहे हो वो लिखोगे आप यहाँ पे, और जिन जिन पार्टनर को दे रहे हो उनका नाम लिखोगे और उनका रेस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में टोटल करके आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिख दोगे, फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद में इसको मैं थोड़ा लास्ट में लेता हूं, करंट अकाउंट वाला, ठीक है। उससे पहले मैं यहां पे आ जाता हूं टू जनरल रिजर्व। हो सकता है ना कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किया, जो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अर्न किया, ठीक है ना, उसमें से मैं बोलता हूं कि फ्यूचर में मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूं, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें से यूज करूं, ऐसा थॉट्स हो सकता है फर्म का, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप उस पोर्सन क्या कर सकते हो, प्रॉफिट में से रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो जनरल रिजर्व में, क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लिखना है, टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि इतना अमाउंट आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो आपको क्या लिखना है, टू जनरल रिजर्व, क्लियर है, फाइन। उसके बाद में इस साइड में आता हूं, और यहां पे आपको दिख रहा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। यानी कि देखो, ड्रॉइंग क्या होता है, मेरे से, मैं बिजनेस था, ए बी सी डी ये चार पार्टनर है, वो पार्टनर ने क्या किया कि मेरे से पैसा लिया, कई बार जरूरत पड़ी होगी ड्यूरिंग द ईयर में, तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरे से पैसा है वो वापस लिया है, विथड्रॉ किया है, क्लियर है। तो जब भी वो विथड्रॉ करेंगे मेरे पास से, जब भी वो ड्रॉइंग करेंगे, तो उस ड्रॉइंग के ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, उस ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, अगर डीड में लिखा हुआ है तो, क्लियर है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब वो पैसा लेके गए थे मेरे से, जो भी मेरे से लेके गए, चाहे स्टॉक लेके गए थे, ठीक है ना, विड्रॉ करके गए थे, तो उनके ऊपर क्या होगा,
इंटरेस्ट मैं क्या करूंगा, रिकवर करूंगा। अब मेरे को पैसा देंगे ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्लियर है, कैपिटल के ऊपर मैंने उनको दिया था, तो अब ड्राइंग के ऊपर मैं लूंगा ना उनसे, तो क्या होगा, इनकम हो जाएगा आपका। तो इनकम को आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि आपका इनकम है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए का कितना, बी का कितना, इस तरीके से लिखोगे और टोटल करके आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे। फाइन, श्योर, इतना तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आपने नॉर्मली पढ़ा भी होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो शायद ही आपने देखा हो, पढ़ा हो, बराबर है। चलो तो उसको भी डिस्कस करते हैं। सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट हो सकता है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट के ऊपर भी, पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर बैलेंसेस गिवन है तो उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, अगर डीड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, और मैं आपको बता दूं, कैपिटल का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड आता है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट बैलेंस है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात करूं तो करंट अकाउंट का दोनों ही बैलेंसेस पॉसिबल है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर, ऐसे सिचुएशन में फिर इंटरेस्ट हमारा इनकम रहेगा कि एक्सपेंस रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर करंट अकाउंट का, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का आपकी बुक्स में अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर आपकी बुक्स में पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए वो एक्सपेंस रहेगा, सेम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। उसी तरीके से अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट रहेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है उनका, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसको किस साइड लिखना है, इस साइड लिखना है। तो देखो, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट कब लिखना है, इफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और डीड में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली एबीसी कितना है दोनों का टोटल, असल क्रेडिट बैलेंस नहीं है सर, डेबिट बैलेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर हमारा इनकम हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे इस साइड लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज गिवन, एबीसी कितना है वो सब टोटल करके आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे, बराबर है। चलो, इतना सारा एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी बचेगा लास्ट में, जो भी बचता है प्रॉफिट और लॉस, उसको आपको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और ऐसे प्रॉफिट और लॉस जो भी लास्ट में बचेगा यहाँ पे, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। अगर वो प्रॉफिट है तो उसको क्या बोला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी अब ये बांटने योग्य है, सब में डिवाइड करने योग्य है, बराबर है। सो डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाएगा, अगर लॉस होता है तो उसको डिविजिबल लॉस बोला जाएगा। अगर इस साइड अगर आपका कम पड़ता है तो वो आपका प्रॉफिट रहेगा, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, बराबर है। तो आपको क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो। और अगर आपका कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आपको क्या लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है, बराबर है। ए बी इनका क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर टोटल है वो आपका आपका आउटर कॉलम में आ जाता है, बराबर है। अगर इधर कम नहीं होता, इधर कम पड़ता, बराबर है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका डिविजिबल लॉस हो जाता, और वो भी ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या करोगे, आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना, और उसके बाद में ए और बी में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बराबर है। चलो, इसकी सेकंड इफेक्ट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे रहती है वगैरह, तो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, तो उसके साथ मैं आपको कवर करवा दूंगा। क्लियर है? फाइन। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हो सकता है कि अगर आप डीप में कोई स्टडी करें तो उसको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूं उसको। देखो, आप ऐसा नहीं समझे कि सर ये एंट्री हो रही है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ऐसी एंट्री नहीं हो रही है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने हमारी सुविधा के लिए लिखा है, ताकि ईजी रहे हमारा प्रेजेंटेशन, समझने में इजी रहे, इसलिए हमने ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। वास्तव में यहाँ पे लिखना होता है टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और ब्रैकेट बना के लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो वास्तव में क्या लिखना होता है, टू एज कैपिटल और ब्रैकेट बना के लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बीज कैपिटल और ब्रैकेट बना के लिखना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, की अगर एज कैपिटल बीज कैपिटल, एज कैपिटल बीज कैपिटल, एज कैपिटल बीज कैपिटल, इधर भी एज कैपिटल बीज कैपिटल, तो आप पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के अलावा तो आपको कुछ दिखेगा भी और पता भी नहीं चलेगा कि ये एज कैपिटल किसका है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रहे, थोड़ा काम इजी हो जाए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको मेन हेडिंग पे ही लिख देते हैं, बराबर है। तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो।
बराबर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा काम है वो इजी हो जाए, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सबके लिए ऐसा ही ऐसा इफेक्ट रहता है, बराबर है। चलो उसके बाद में आपका मैं आपको बता दूं कि अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। सर गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट है वो क्या होता है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है। सो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट आपको मैं आपको बता दूं गिवन बाय फर्म। देखो गारंटी होता क्या एक्चुअली, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखो गारंटी जो रहता है वो ये रहता है आपका कि जैसे सपोज कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर थे और डी को एज ए न्यू पार्टनर वो लोग क्या करते हैं एडमिट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो डी जब भी आता है एडमिशन लेता है तो डी इस कंडीशन के साथ में एडमिशन लेता है कि देखो जो भी प्रॉफिट हो आपका मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम तो मैं नहीं लूंगा। इसी शर्त पे वो क्या करता है एडमिशन लेता है, मतलब ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कम हुआ तो नहीं, मेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या चाहता है, एश्योरेंस चाहता है, गारंटी चाहता है। अब उसको गारंटी ऐसी देगा कौन, मतलब कम पड़ा अगर इन शॉर्ट उसको मिनिमम प्रॉफिट अगर नहीं मिला और तो जो कुछ कम पड़ा उस कम को हमको हम बोलते हैं डेफिशिएंट अमाउंट, क्लियर है। तो वो डेफिशिएंट अमाउंट की जो रिकवरी है वो कहां से करेगा, मतलब उसका जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा, अगर सभी पार्टनर करेंगे और सभी पार्टनर करेंगे तो कौन से रेशियो में करेंगे, बराबर है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो गारंटी किसने दी है उस पर डिपेंड करता है कि वो लॉस कौन बेयर करेगा, बराबर है। वो लॉस कौन बेयर करेगा इस वो डिपेंड करता है कि गारंटी किसने दी है। देखो गारंटी हो सकता है या तो फर्म ने दी हो, क्वेश्चन में तो आपको दिया हो रहेगा, गारंटी अगर फर्म ने दी है, फर्म मतलब बिजनेस ने दे दिया पूरे बिजनेस ने, यानी सभी पार्टनर ने दी है, बराबर है। तो जब भी फर्म ने अगर गारंटी दी है तो क्या करेंगे सभी पार्टनर मिलके क्या करेंगे, वो जितना भी डेफिशिएंट अमाउंट रहेगा, जितना भी कम पड़ता है उसको मिनिमम प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, उतना प्रॉफिट वो लोग क्या करेंगे सभी आपस में क्या कर देंगे सेक्रीफाइस करेंगे, यानी अब तीनों के जो भी बचेंगे बाकी के पार्टनर, जैसे डी आ रहा है तो ए बी सी तीन पार्टनर क्या करेंगे, तीनों मिलकर उस लॉस को क्या करेंगे बेयर करेंगे। सर कौन से रेशियो में कौन कितना देगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उन तीनों का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, वो जो लॉस हो रहा है डेफिशिएंट अमाउंट आ रहा है उसको क्या करेंगे सैक्रिफाइस करेंगे, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में से माइनस करके उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है ठीक है ना उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से क्या करेंगे माइनस करेंगे और किसके अकाउंट में प्लस कर देंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्लियर। तो देखो मैंने क्या लिखा, अगर गारंटी है वो गिवन बाय फर्म, फर्म ने अगर गारंटी दी है न्यू पार्टनर को, तो ऐसी सिचुएशन में जो डेफिशिएंसी अमाउंट रहता है, डेफिशिएंसी अमाउंट मतलब जो मिनिमम प्रॉफिट है उसमें कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, कि कितना कम पड़ रहा है मिनिमम प्रॉफिट तक, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको हमने गारंटी दी है 4 लाख की, 4 लाख का प्रॉफिट तेरे को होगा मिलेगा, तेरे हिस्से में कितना आएगा 4 लाख आएगा, बराबर है। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट में, ठीक है ना, तो तब जाके उसके शेयर में कितना आया, उसके हिस्से में 3 लाख ही आया, तो उसको तो गारंटी 4 लाख की दी है, तो वो 1 लाख शॉर्टफॉल हो रहा है, तो 1 लाख कौन बेयर करेगा, बाकी के तीनों पार्टनर है वो क्या करेंगे बेयर करेंगे, क्लियर है। तो डेफिशिएंसी अमाउंट वो 1 लाख डेफिशिएंसी अमाउंट हो गया, डेफिशिएंसी अमाउंट इज टू बी पेबल बाय कौन, पे करेंगे रिमेनिंग पार्टनर एबीसी, बराबर है, और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको सेक्रीफाइस करेंगे, क्लियर है। फाइन, अगर सर गिवन बाय एनी पार्टनर स्पेसिफिक, मतलब कि एबीसी तीन पार्टनर पहले से थे उनमें से सिर्फ ए ने गारंटी दी, उसमें से सिर्फ ए ने गारंटी दी, तो ऐसे सिचुएशन में कौन ये जो लॉस होगा डेफिशिएंसी अमाउंट का वो कौन बेयर करेगा, ऑब्वियसली ए करेगा क्योंकि ए ने ही गारंटी दी, बाकी ने तो गारंटी दी नहीं है, तो जो गारंटी देता है वही क्या करता है लॉस को बेयर करता है। सर ए और बी दोनों ने दी हो तो ए और बी दोनों मिलकर क्या करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो क्या करेंगे लॉस को बेयर करेंगे। तो देखो डेफिशिएंसी अमाउंट इज टू बी पेबल बाय सच अ पार्टनर, यानी जो पार्टनर गारंटी देगा वो पार्टनर क्या करेंगे उस लॉस को बेयर करेंगे। आपको क्या करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो मैं आपको इसी में बता देता हूं। आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आप क्या करोगे, ये लास्ट में आप डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये डिविजिबल प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो उसमें आपको क्या करना है, लाइक अगर ऐसा है कि बी को गारंटी ए ने दी है, बराबर है, तो जो गारंटी दी है जिसने उसके कैपिटल उसके प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे जितना अमाउंट का, क्लियर है। और फिर हम क्या करेंगे, जिस जो न्यू पार्टनर है जिसको गारंटी मिली है उसके अकाउंट में क्या कर देंगे प्लस, यानी सारा प्लस माइनस आपको एडजस्टमेंट यही पे कर देना है, बराबर है। आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो आपको आसान से क्या हो जाएगा समझ में।